यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस रूम में हमने एक वार्डरोब बनाई हुई है जिसपे फाइनली बाद में फिनिशिंग टाइम में हम इसे कवर करेंगे फर्नीचर से। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे जाल है, सेम वैसा ऊपर जाल इसमें दिया गया। तो गाइस हम रोहित भाई से एक चीज पूछते हैं, यहाँ पे ये जो रूम दे रखा है, ये हमारा जीना है, ये यहाँ पे गेजिंग लाइन है हमारी फ्रंट गेजिंग, यहाँ पे खड़े शीशे लगाए जाएंगे, यहाँ पे ये हमारी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज हम आ चुके हैं अपने मकान पे। तो गाइस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो गाइस अभी प्लास्टर यहाँ पे चल रहा है। तो गाइस मैं आपको पूरा मकान यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये बनना है बरेली में। तो गाइस सुबह के बज चुके हैं 10, अभी हम अपने भाई से मिलवाते हैं यहाँ पे, जो कंस्ट्रक्शन काम यहाँ पे देख रहे हैं। तो गाइस ये हमारे बड़े भाई हैं, यही मकान का काम यहाँ पे देख रहे हैं। तो गाइस ये इंजीनियर हैं। हेलो एवरीवन, आई एम रोहित पाल and I now am this site, this is my house. तो गाइस चलते हैं मकान के अंदर। तो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे ड्राइंग रूम में। फर्स्ट हम आ चुके हैं, ये ड्राइंग रूम का एरिया है, हमारे एंट्रेंस से मेन से सीधे यहाँ लिया गया है, और इससे ये हमारा ज्वाइंट लेटरिन बाथरूम है जो हमने सीधा यहाँ गेस्ट के लिए अटैच कर रखा है ड्राइंग रूम से। तो गाइस अब आते हैं लॉबी में यहाँ पे। तो यहाँ पे रोहित भाई बताएंगे, ये हमारा लॉबी का एरिया है, यहाँ पे हमने पर्सनली सेपरेट लेटरिन बाथरूम बनाए हुए हैं। फिर हम आपको ले चलते हैं बेडरूम एरिया में। ये हमारे टू बेडरूम का घर है, इसमें जो हमारा मास्टर बेडरूम है, ये मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम से अटैच हमारा स्टोर है। तो गाइस अभी यहाँ पे चाली और फंटी यहाँ पे लगी हुई है, तो गाइस उधर हम नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे रोड़ा पड़ा हुआ है। तो गाइस चलते हैं अब नेक्स्ट रूम में। तो गाइस एक और यहाँ पे बेडरूम है, तो यहाँ पे अंदर हम आ चुके हैं। ये हमारा नेक्स्ट रूम है, इसके अंदर ये हमारा जाल का एरिया है जो हमारा एयर वेंटिलेशन के लिए, एयर फ्लो के लिए अच्छा रहता है घर में। फिर इससे अटैच हमारा ये पूजा का रूम है जिसे हम एज अ पूजा का रूम यूज। तो गाइस हमारे यहाँ पे लॉबी है, तो लॉबी से ही अटैच हमारी किचन है। तो गाइस चलते हैं आपको दिखाते हैं यहाँ पे पूरा व्यू। तो रोहित भाई बताइए किचन के बारे में। ये किचन है हमारा, यहाँ पे सेकंड डबल डबल स्लोप वाला, यहाँ पे एक सिंक लगेगा, मेन हॉल रहेगा यहाँ पे। तो गाइस अभी चलते हैं, अभी तो ग्राउंड फ्लोर पे हैं, ठीक है। तो गाइस चलते हैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे। तो गाइस अभी चलते हैं। तो गाइस यहाँ से हम आ चुके हैं यहाँ पे। तो गाइस ये हमारा जीना है। तो गाइस अभी यहाँ पे जा रहे हैं, इसे चेन वाला जीना बोलते हैं, जो प्रॉपर एक फ्रेमिंग में जीना बनाया जाता है वो लेके चलते हैं। ये 4 फीट जीना है, लगभग 2 लोग प्रॉपर तरीके से आराम से निकल सकते हैं। तो आइए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो गाइस आप लोग यहाँ से जीने की हाइट देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे इसकी विड्थ भी देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ काफ़ी चौड़ाई और काफ़ी यहाँ पे स्पेस है। तो गाइस ये तो आपको यहाँ पे शीशे लगेंगे। तो ये हमारा जीना है, ये यहाँ पे गेजिंग आई हुई है हमारी फ्रंट गेजिंग, यहाँ पे खड़े शीशे लगाए जाएंगे यहाँ पे, ये हमारी गेजिंग है। फिर हम आपको लेके चलते हैं, हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो गाइस ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। तो गाइस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क पूरा भी हो चुका है, जैसे कि नीचे बना हुआ था उसी टाइप से ऊपर बना हुआ है, ये ड्राइंग रूम का एरिया है। इससे आगे आते हैं, यहाँ पे हमारी बालकनी है। यहाँ से भी नीचे के जैसे यहाँ पे एक ड्राइंग लेटरिन बाथरूम अटैच्ड है। फिर ये हमारा ये लॉबी का एरिया है, यहाँ पे भी पर्सनली अलग अलग सेपरेट लेटरिन बाथरूम दिए हुए हैं। और फिर ये हमारा यहाँ पे किचन का एरिया है, ये किचन का एरिया है, ये पूरा ही हमारी किचन है। फिर आते हैं, ये आपको हम लेके चलते हैं हमारे बेडरूम्स में। 2 मास्टर बेडरूम है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो गाइस अभी प्राइमरी बेडरूम में जा रहे हैं, प्राइमरी बेडरूम, मास्टर बेडरूम। तो गाइस इसके अंदर भी एक किचन बना रखी है हमने यहाँ पे, यहाँ पे किचन, नीचे हमने स्टोर के ऊपर किचन बनाया हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर स्पेस है, अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है। ये हमारा दूसरा बेडरूम है, लेके चलते हैं आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस रूम में हमने एक वार्डरोब बनाई हुई है जिसपे फाइनली बाद में फिनिशिंग टाइम में हम इसे कवर करेंगे
फर्नीचर से। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे जाल है सेम वैसा ऊपर जाल इसमें दिया गया। तो गाइस हम रोहित भाई से एक चीज पूछते हैं, यहाँ पे ये जो रूम दे रखा है ये किसके लिए है? ये रूम हम एज अ स्टोर यूज करने वाले हैं और एज अ इसे प्रेयर रूम या पूजा रूम में यूज कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे भी एक जाल लगा हुआ है, तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये जाल है भी यहाँ पे और ऊपर भी एक जाल लगा हुआ हो। तो गाइस हम यहाँ से अभी जा रहे हैं। गाइस अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो ये फर्स्ट फ्लोर है, तो गाइस अभी चल रहे हैं यहाँ पे टॉप फ्लोर पे जो पूरा ओपन है, तो गाइस चलते हैं आगे अभी। तो रोहित भाई हमें बताइए ये जो तीन यहाँ से विंडो लगी हुई है, ये हमारे मकान में एलिवेशन के ऊपर के थ्री मिरर्स हैं जो लाइटिंग का एंड एज अ फेंसिंग का काम करेंगे यहाँ पे। ये है हमारी गेजिंग जिसमें हमारे थ्री मिरर्स लगाए जाएंगे, एलिवेशन जाने वगैरह यूज करी जाएंगी यहाँ पे। तो आइए आपको लेके चलते हैं टॉप फ्लोर। तो गाइस यहाँ पे बहुत धूप हो रही है, तो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे टॉप फ्लोर पे। ये है हमारा मंडी का एरिया, मंटी का एरिया है, हम यहाँ आ चुके हैं छत पे, और यहाँ छत पे हमने यहाँ पे लैटरिन बाथरूम किया हुआ है जो ऊपर रहने या रुकने वालों को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे सिंगल टैंक रखा हुआ है, तो गाइस यहाँ पे दो टैंक रखे जाएंगे, तो गाइस ये वाला टैंक है जो ऊपर शिफ्ट होगा अभी। तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ आगे ऊपर, एकदम खुली हवा में यहाँ से घूमकर नज़ारा है, यहाँ से हम घरे भी देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आप देख सकते हैं चारों तरफ कितना ज़्यादा है यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से इस जगह का बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पास में यहाँ पे कचहरी है। तो गाइस यहाँ से रेलवे जंक्शन भी पास में है, जंक्शन बहुत ज़्यादा नज़दीक है, हार्डली यहाँ से 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के आसपास होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ से सीधा यहाँ से रेलवे स्टेशन है, दूर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन वो शायद है सामने, वहाँ ट्रेन खड़ी हुई है यहाँ से रेलवे जंक्शन। तो गाइस मेरे सामने आप टंकी देख रहे हैं यहाँ से, तो वही रेलवे जंक्शन की पानी की टंकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वास्थ्यनगर का एरिया है, वहाँ से आगे चौपला वगैरह पूरा ये बरेली है, पूरा ये नगर निगम यहाँ लगता है। धूप भी यहाँ बहुत तेज है, तो गाइस हम लोग यहाँ से नीचे जाते हैं। गाइस अब आ चुके हैं ममटी एरिया में, तो गाइस अभी हम नीचे जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे ग्रिलिंग का काम अभी चलेगा, तो गाइस अभी ग्रिलिंग यहाँ पे नहीं लगी है। तो गाइस मैं थक गया चढ़ चढ़ते, तो गाइस अभी हम नीचे उतर रहे हैं यहाँ से। तो गाइस अभी यहाँ पे और बहुत सारा काम यहाँ पे रह गया है, तो गाइस यहाँ पे टंकी अभी लगेंगी, अभी खाली प्लास्टर का काम यहाँ पे चल रहा है। तो गाइस ये भी पूरा अभी फिनिश हो चुका है, तो गाइस अभी गेट चढ़ना बाकी है और पत्थर भी लगना बाकी है, टाइल्स भी लगेंगी। तो गाइस अभी यहाँ पे काम है रुक दिया गया है, तो गाइस दो तीन दिन के बाद में यहाँ पे दोबारा कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस घर की फिनिशिंग आपको हम दिखाएंगे, वुडन का वर्क दिखाएंगे, टाइलिंग का दिखाएंगे, कलर पेंट का दिखाएंगे, सारा एक फाइनल टच होगा घर का, वो हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।